तो व्हाट इज़ अप गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन 14 के बारे में। ये 14 सीरीज जल्दी लॉन्च होने वाली है, आपको पता होगा, और इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे। और हम जानेंगे इसके बारे में क्या आखिर आईफोन 14 कैसे अलग हो गया आईफोन 13 से, और हाँ इन दोनों में क्या मतलब कंपेरिजन वगैरह हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कुछ सिमिलैरिटीज मिले हमें देखने के लिए, और कुछ ऐसे यूनिक से चीजें भी मिले जो कि हमें आईफोन 13 में नहीं मिलती थी, बट हाँ आईफोन 14 में मिलेगी। तो अभी आईफोन 14 आई नहीं है मार्केट में, तो मेरे को उतना डिटेल है नहीं, और मैं लीक भाई दे नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि भाई वो मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं अगर किसी ब्रांड की आपको लीक दे रहा हूँ तो भाई वो मतलब कैसा हूँ मैं, मेरे को पता चल जाएगा ना भाई। सीधा समझ लो ना, बहुत सारे लोगों को एप्पल ने बैन कर रखा है और बहुत सारे को अपनी कंपनी से फायर कर रखा है, क्योंकि वो भाई क्या करते थे, थोड़ी बहुत लीक हो जाती थी उनसे बाय मिस्टेकली, या फिर वो जानबूझ के भी करते थे, तो उन्हें शायद डायरेक्टली कंपनी से निकाल दिया था। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे को फ्यूचर में कभी आईफोन की तरफ से कोई फोन आए अनबॉक्सिंग करने के लिए और मैं बैन हो जाऊं क्योंकि मैंने लीक दी थी। तो भाई मेरे को लीक उतनी पता नहीं है, बस जितनी बातें जो मार्केट में चल रही है वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी अंदर की बातें को छिपा के रखेंगे, उससे हम भी सेफ रहे और हमारे चैनल भी सेफ रहे। तो यार कुछ लीक के हिसाब से देखा जाए तो भाई पहले बात तो क्या जा रहा है कि कैमरा चेंज होने वाला है, मतलब कि नॉच जो है आईफोन से वो हट जाएगी 14 प्रो में, शायद से 14 प्रो या फिर 14 प्रो मैक्स, इन दोनों वेरिएंट में शायद से नॉच नहीं आएगी। इन दोनों वेरिएंट में एक पंच होल टाइप से आ रहा है कैमरा, जो कि हाँ काफी ऑसम सा लग रहा है देखने में। और हाँ ये लीक पूरे मार्केट में फैली हुई है तो मैं इसे बता सकता हूँ, ऐसा मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा इससे। लेकिन हाँ काफी सही सा, काफी सुंदर सा, और पंच होल तो अच्छा लगता है, बट हाँ ये एप्पल का जो पंच होल आ रहा है वही थोड़ा सा अलग सा लग रहा है देखने में, तो ये मेरे को काफी अच्छा सा लगा एक बात। और अब इसके तो कॉपी शुरू हो जाएंगे मार्केट में आने, क्योंकि भाई आईफोन की कॉपी तो मार्केट में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, कोई ब्रांड इसकी कॉपी ना करे ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे इसके बेजल तो बहुत कॉपी हो रहे हैं ना फिलहाल, तो अभी इसके नॉच भी कॉपी होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मेरे को सब कुछ तो ठीक लगता है, बट ये आईफोन के अंदर अगर टाइप सी दे दिया जाए ना तो भाई काफी सही सा लग जाएगा। बहुत सारे लोगों के ना दिमाग से ना टेंशन हट जाएगा भाई एकदम से, भाई टाइप सी लगा रहेगा काफी नॉर्मल सा है, मतलब आजकल तो हर एक फोन में टाइप सी ही आ रहा है, तो आईफोन वाले भी टाइप सी देंगे तो काफी सही सा रहेगा। बट हाँ उसका जो केबल आता है वो काफी सही सा, काफी यूनिक सा आता है। तो अब मेरे को लगता नहीं है आईफोन कभी भी अपना चार्जर चेंज करने वाला और वो चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं देगी। कहा तो जा रहा है कि भाई इस बारी जो पिछले बार इससे भी ज्यादा पतले बॉक्स में आपको मिलेगी फोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फोन नहीं मिलेगी, बस उसकी कुछ पतड़ियां पतड़ियां मिल जाएगी, आप खुद से असेंबल करके लगा लो, उसे इस दुकान से वो खरीदो, उस दुकान से वो खरीदो, सबको मिलकर असेंबल करो, भयंकर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ऐसा होने वाला है कुछ दिनों में, मेरे को ऐसा लग रहा है आईफोन के साथ। और बाकी कहा जा रहा है चिपसेट जो था पिछली वाली से ज्यादा अपडेटेड दिया जाएगा, और हाँ ये बहुत ज्यादा एप्पल का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट होने वाला है जो आईफोन 14 के साथ आने वाला है, या फिर 14 प्रो मैक्स को आप देख सकते हो 14 के साथ, मेरे को नहीं लगता ऐसा आने वाला है कुछ भी, 14 नॉर्मल रहने वाला है भाई। और इसमें कुछ कलर भी ऐड के जा रहे हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जो कि काफी ज्यादा मतलब मेरे को तो अट्रैक्टिव से लगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव से कुछ कलर इसमें ऐड करे गए हैं जो कि हाँ मेरे को काफी अच्छा लगा। पर्पल कलर भी शायद इसमें दिया गया है जो कि यहाँ काफी ज्यादा लाइट करता है। बाकी जो सबसे बड़ी बात है वो है प्राइस की, प्राइस भाई किसी को नहीं पता प्राइस कितनी होने वाली है, लिटरली मुझे भी नहीं पता भाई, मेरी दोनों किडनी बिक जाएगी फिर भी आईफोन नहीं लूंगा, नहीं ले पाऊंगा यार, मतलब सस्ते में बिक जाएगी मतलब कसम से बता रहा हूँ, कोई नहीं लेने वाला। मैं तो ऐसे ना लूं, देखो यार मेरे तो औकात से बाहर है ये वाली आईफोन, क्योंकि भाई वो कंपनी तो भेजने वाली ठहरी नहीं मुझे, और मैं खुद से तो परचेस कर सकता हूँ नहीं। इस वाली वीडियो में तो नहीं, और वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब तो करोगे ही, आई नो। बाय बाय, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, बाय बाय गाइस।